फिलहाल ये बताते हैं आपको, अब ये कहा जा रहा है 12 अगस्त जो है वो अगली तारीख होगी जब सुनवाई होगी और सुप्रीम कोर्ट का रुख जो है वो भी किया जा सकता है। हाईकोर्ट का जब फैसला अब सामने निकल के आ चुका है। हमारे साथ इस वक्त वृंदावन से नागेंद्र जी महाराज भी जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत आपका जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। नागेंद्र जी महाराज, जो फैसला हाईकोर्ट की तरफ से दिया गया उसको लेकर क्या कहेंगे आप? जी शिल्पी जी, बहुत ही खुशी का विषय है। ये हम सब सनातनी हिंदू संत धर्माचार और सभी सनातनी और हिंदू भाइयों को बहुत ही खुशी हुई है कि ये फैसला आया है कि हमारा जो कृष्ण जन्मभूमि है, जहाँ हमारे कृष्ण कन्हैया लाला ने जन्म लिया है, उस स्थान पर आक्रांता औरंगजेब बाबर जैसों ने, आक्रमणकारियों ने मंदिरों के सोना चांदी लूटकर वहां पर गुम्बद अपनी मस्जिद के लगा दिए थे, तो उस पर निश्चित सुनवाई होगी। और तथ्यों के आधार पर माननीय हाईकोर्ट ने यह निर्णय लिया है कि हमारे पक्ष की सुनवाई होगी और निश्चित रूप से सत्य सत्य रहता है और हमारी जय होगी और विजय होगी। बिल्कुल नागेंद्र जी, अभी इस पूरे मसले की अगर बात की जाए तो जाहिर तौर पर निराशा जो है वो मुस्लिम पक्ष को हाथ लगी है यहाँ पर, लेकिन पूरी पूर्ण फैसला जो है नहीं आया, लेकिन हाईकोर्ट ने जो फिलहाल फैसला सुनाया उसको लेकर आपको उम्मीदें जो है कह सकते हैं बढ़ गई है आगे के लिए? निश्चित बढ़ गई है, निश्चित। हमें अपने भारत की न्याय प्रणाली पर विश्वास है। हम तथ्यों के आधार पर लड़ेंगे। हम इनकी अन्य मस्जिदों पर क्यों दावा नहीं कर रहे? क्योंकि हमें मालूम है वहाँ हमारा कुछ नहीं है। जहाँ हमारा दावा है, जहाँ हमारे कन्हैया का स्थान है, जहाँ प्रमाण है, हर चीज के प्रमाण है, वहीं पर हम दावा कर रहे हैं। और हमें न्याय प्रणाली पर पूरा विश्वास है कि निश्चित रूप से हमारे हक में आगे जो भी निर्णय आएंगे वो हमारे हक में आएंगे और हमें निश्चित विजय प्राप्त होगी और पुनः वहाँ भगवान श्री कृष्ण का दिव्य भव्य मंदिर बनेगा। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए नागेंद्र जी। हिंदू धर्म गुरु हमारे साथ जुड़े हुए थे जो कि कह रहे हैं फैसला जो है वो बहुत उत्साहित करने वाला एक तरीके से है उनके लिए जो फैसला सामने निकल के आया। हमारे साथ कन्हैया